नमस्कार दोस्तों, आईसीआईसी बैंक का यहाँ पर शेयर देखने को मिल रहा है 915 रुपए पर स्टॉक का प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छे खासे मोमेंटम स्टॉक में भी देखने को मिली है, लेकिन ज्यादा अच्छे खासे ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर अगर बात करें स्टॉक का जो फ्यूचर ऑप्शन, ज्यादा हाई लो नहीं देखने को मिला है और 4 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर स्टॉक के गैप अप में ओपन होने की संभावना के साथ देखने को मिली है, क्योंकि स्टॉक का जो लो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 911.30 रुपए। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर 11.75 रुपए देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अगर बात करें तो 11.90 रुपए है। स्टॉक का जो लो देखने को मिला है वन डे का 911.30 रुपए देखने को मिला है और यहाँ पर स्टॉक जो कि दोस्तों 12.75 रुपए पे क्लोजिंग देखने को मिल रहा है और दोस्तों यहाँ पर 4.10 रुपए की स्टॉक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 0.45% देखने को मिल रहा है। वीकली की अगर बात करें तो यहाँ पर भारी गिरावट के साथ स्टॉक यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रहा है और भी ज्यादा गिरावट होने की संभावनाएं बन सकती है। 3% की गिरावट यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल रही है, 1 सप्ताह की 28.80 रुपए की गिरावट यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है देखने को मिल रहा है, अगर स्टॉक गैप अप में ओपन होता है तो अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम बन सकती है और अगर डाउन साइड ओपन होता है तो फिर गिरावट। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें 900 रुपए का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो फिर गिरावट होने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर अगर बात करें 1 महीने की तो 32 रुपए का प्रॉफिट, 3.42% का रिटर्न यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, रिटर्न तो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ईयरली में भी यहाँ पर स्टॉक ब्रेक देखने को मिल रहा है, ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 924 का स्टॉक ने सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो यहाँ पर 825 तक आने की संभावनाएं बन सकती है। यहाँ पर स्टॉक का जो डाउन साइड फॉल ज्यादा देखने को मिल रहा है तो सेलिंग भी ज्यादा देखने को मिल सकती है और दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर 1 साल का 5.25% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। 5 ईयर की बात करें तो स्टॉक अच्छा खासा हाई पर देखने को मिल रहा है, 177% का प्रॉफिट यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल रहा है और 583% का रिटर्न यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल रहा है दोस्तों, 583 रुपए का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। अच्छे खासे मोमेंटम है, ऑल टाइम के साथ स्टॉक थोड़ी सी गिरावट होने की संभावना है, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक देखने को मिल रहा है 782 पर और 720 तक आया फिर ब्रेक किया, यानी कि अगर बात करें यहाँ पर स्टॉक का हाई तो फिर यहाँ पर 950 है और स्टॉक का जो हाई देखने लो देखने को मिला है 912 रुपए, यानी कि थोड़ा सा और गिरावट होने की संभावना बना सकता है। स्टॉक यहाँ पर 980 था और 880 था, 782 और 720 पर आया, यानी कि करीब 60 पॉइंट का गिरावट, यानी कि यहाँ पर भी अगर 50 से 60 पॉइंट की गिरावट होने की संभावना बन सकती है, यानी कि 922.50 से लेकर 950, 800, 1525 तक आने की संभावनाएं बन सकती है स्टॉक में, जो कि यहाँ पर स्टॉक का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकता है, जो कि आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 885 तक आने की संभावना स्टॉक बना सकता है। यहाँ पर स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकता है 914 और 885 के बीच में गैप, अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर बना सकता है और हाई मोमेंटम स्टॉक बना सकता है। टुडेज लो यहाँ पर 911 रुपए और टुडेज हाई 918 रुपए देखने को मिल रहा है। 52 सप्ताह का लो 796 रुपए और 52 सप्ताह का हाई 1008 रुपए देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं, इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।